नमस्कार, उत्तर बङ्गाल अनि सिक्किमको लिडिङ एन्ड नम्बर वान न्युज च्यानल एसके लाइभमा यहाँलाई स्वागत छ। तपाईँहरूको साथमा छु म आनन्द छेत्री। सिलगढी, जलपाइगुडी, इस्लामपुर लगायत देशका संलग्न क्षेत्रहरूमा हातपेको च्यानल नम्बर 871 तथा कालिम्पोङवासीहरूले पनि अब हातपेको च्यानल नम्बर 870 मार्फत एसके लाइभ न्युज च्यानल टिभी मार्फत हेर्न सक्नुहुनेछ। प्रस्तुत छ आजका प्रमुख समाचारहरू। न्यूज प्रस्तुतकर्ता अपोलो क्लिनिक, सेवक रोड, सिलगढी। मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले मङ्गलबार आफ्नो धरना फिर्ता लिनको साथै अर्को साता दिल्ली गएर आन्दोलन गर्ने घोषणा पनि गरिन्। सिबिआईले शारदा चिटफन्ड घोटालाको सम्बन्धमा कोलकाता पुलिसका कमिश्नर राजीव कुमारको घरमा छापा मार्ने प्रयास गरेको घटनाको विरोध जनाउँदै आइतबारदेखि ममता ब्यानर्जी यहाँको मेट्रो च्यानलमा धरनामा बसेकी थिइन्। मङ्गलबार बेलुकी आन्ध्र प्रदेशका मुख्यमन्त्री एन चन्द्रबाबु नायडु धरनास्थलमा उपस्थित रहेको अवधि मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले आफ्नो धरना फिर्ता लिएको घोषणा गरिन्। मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै यस धरनाको मुख्य उद्देश्य गणतन्त्रको रक्षा गर्नु थियो। यो धरना कुनै पनि प्रकारले राजनीतिक धरना थिएन। उक्त धरना भारतको रक्षा गर्ने उद्देश्यले बसेको तिनले बताइन्। यसको साथै तिनले आगामी 13-14 फरवरीमा राजधानी दिल्लीमा सत्याग्रह गर्ने पनि बताइन्। भाजपा राष्ट्रिय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पश्चिम बङ्गालको जलपाइगुडी जिल्लामा प्रस्तावित जनसभाको तयारीको परिदर्शन गर्न मङ्गलबार यहाँ आएका थिए। यस अवसरमा तिनले राज्य सरकारले भाजपाको जनसभा आयोजना गर्नमा सहयोग नगर्ने सम्भावना कम रहेको बताए। शारदा काण्डमा कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमारसँग सोधखोज गर्ने निर्देश दिएपछि भाजपा पश्चिम बङ्गालकी मुख्यमन्त्री ममता सरकारमाथि आक्रामक भएको छ। भाजपा राष्ट्रिय महासचिव कैलाश विजयवर्गीयले सुप्रिम कोर्टको निर्देशपछि पश्चिम बङ्गालको तृणमूल सरकार ब्याकफुट भएको बताए। सुप्रिम कोर्टको निर्देशलाई ममताले आफ्नो नैतिक जित भनेकोमा भाजपा राष्ट्रिय महासचिव विजयवर्गीयले ममता ब्यानर्जीले हारमा नै आफ्नो जित देखिरहेको पनि बताए। बहुत अच्छा है, प्रजातन्त्रको जित हुई है। यो 40 करोड रुपए के भ्रष्टाचार गर्ने वाले लोगों को संरक्षण देने वाली सरकार की हार है और ये उन लोगों की जीत है जिन गरीब लोगों ने चिटफंड कंपनी में इस आशा के साथ पैसा जमा किया था कि हमारा पैसा डबल होगा। उन सब लोगों की जीत, वो अपने हार में भी जीत मानती है तो बहुत अच्छी बात है। आने वाले समय में उनके सब परिणाम इसी प्रकार आएंगे कि वो हारती रहेगी और मनी मन में बोलेगी कि मैं जीत रही हूँ। डुवर्सको मदरीहाट रामझोरा चिया कमानको 5 नम्बर सेक्सनमा जल्दावारा वन विभागद्वारा राखिएको खोरमा एउटा वयस्क चितुवा फसेपछि चिया कमान निवासीहरूले राहतका श्वास फेरेका छन्। लङ्कापारा रेन्जर विश्वजित विषयले बताए अनुसार विगत 3 वर्षदेखि गरगण्डा, धुम्चीपाडा, घण्टापारा चिया कमानहरू बन्द अवस्थामा रहेको हुनाले उक्त क्षेत्र झार जङ्गलले भरिएको हुनाले दिन प्रतिदिन चितुवाको संख्या बढिरहेको थियो। वन विभागका कर्मीहरूले रात दिन उक्त क्षेत्रमा पहरा दिइरहेको अनि स्थानीय पञ्चायत र चिया कमान कर्तृपक्ष कुराकानी गरेर ती झार जङ्गल काटेर उक्त क्षेत्र सफाई गरियो। यसरी वन विभागको सटिक परिकल्पना र परिश्रमको कारण नै चितुवा खोरमा फसेको तिनले बताए। देखेन, ব্যাপারটা হয়ে গেছে কি আমাদের এখানে যে টি গার্ডেন গুলো ছিল এই টি গার্ডেন গুলো আপনার আমি এখানে জয়েন করার সময় যেটা খবর পেলাম যে লাস্ট 3-4 বছর ধরে বন্ধ ছিল। বন্ধ থাকার কারণে কি হয়েছে, অনেক ঝোপ জঙ্গল তৈরি হয়ে গিয়েছে। টি গার্ডেন গুলো ঠিক টি গার্ডেনের অবস্থায় নেই, তাই বাঘের পপুলেশনটা স্বাভাবিকের থেকে অনেক বেশি হয়ে গিয়েছিল এবং তার ফলে কি হয়েছিল, নিজেদের মধ্যে কম্পিটিশন শুরু হয়েছিল এবং তার জন্য ম্যান অ্যানিমাল কনফ্লিক্টটা শুরু হয়েছিল। তো সেই জায়গায় একটা ক্রিটিক্যাল কন্ডিশন থেকে আমরা ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে আমরা এই অপারেশনটা শুরু করি যে এখান থেকে কীভাবে বাঘের পপুলেশন কমানো যায়। তার জন্য আমরা অনেক রকম পরিকল্পনা করেছি, তার মধ্যে মেন পরিকল্পনা হচ্ছে ফার্স্ট আমরা ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে 24x7 ডিউটি শুরু করি। আমাদের 4খানা ট্র্যাঙ্কুলাইজেশন টিম, প্রথমের দিকে 7খানা ছিল, প্লাস 4খানা গাড়ি 24x7 ডিউটি, প্লাস 15খানা খাঁচা বস করে। সেকেন্ড, আমরা ম্যানেজারদের সাথে মিটিং করি, লোকাল পঞ্চায়েত প্রধানদের সাথে মিটিং করি, লোকাল পঞ্চায়েত মেম্বারদের সাথে মিটিং করি যে বাগানের মধ্যে যে সমস্ত এরিয়া এখনও ঝোপ জঙ্গল হয়ে আছে সেগুলো যেন তাড়াতাড়ি পরিষ্কার করা হয়। যদি সেগুলো পরিষ্কার করা হয় তাহলে তাদের বাসস্থান কমে যাবে এবং তখন অটোমেটিক্যালি তারা এখান থেকে দূরে চলে যাবে। 3 নম্বর, আমরা প্রত্যেকটা স্কুল টি গার্ডেন এরিয়ায় প্রত্যেকটা স্কুল, প্রত্যেকটা আপনার যে সমস্ত স্কুল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে সব জায়গায় গিয়ে বাচ্চাদেরকে অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেনিং করেছিলাম যে যতদিন না আমরা এই প্রবলেম থেকে বেরিয়ে আসতে পারছি তারা যেন একসঙ্গে স্কুলে আসে, একসঙ্গে স্কুলে যায়
এবং আমাদের যে ভলেন্টিয়ার ছিল তার সঙ্গে আমাদের ডিপার্টমেন্টাল স্টাফ দিয়ে আমরা দায়িত্ব নিয়ে তাদেরকে স্কুলে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি এবং স্কুল থেকে ফিরিয়ে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করেছি যাতে এরকম কোনো ইনসিডেন্ট না হয়। তো সেই একটা বিশাল ক্রাইসিস মোমেন্টে গিয়ে একটা খুব সমস্যার মধ্যে আমরা এই অপারেশনটা শুরু করেছিলাম। তো আমাদের ডিপার্টমেন্টের হায়ার অফিসার যারা আছে তারা সব রকম সাহায্য করেছে আমাদেরকে এই সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য। তো আজকে এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা হয়তো বলতে পারি যে আমরা লাস্ট এক দেড় মাসের মধ্যে আটখানা বাঘ ক্যাপচার করেছি, তার মধ্যে লাস্ট এক সপ্তাহে আমরা পাঁচটা বাঘ ক্যাপচার করেছি। তো লাস্ট কিছুদিন ধরে এখন বাঘের মুভমেন্ট সেভাবে পাওয়া যাচ্ছে না। सेफ ड्राइव सेफ लाइफ को नारा लगाएर जति नै सचेतनता फैलाउने काम पुलिस प्रशासनले गर्दै आइरहे तापनि कालचिनी खण्डको निम्ति दोहमनी क्षेत्रमा लगातार दुर्घटना भइरहने क्रममा मंगलबार फेरि एकजना अज्ञात व्यक्तिलाई ट्रकले धक्का दिँदा मृत्यु भएको घटना प्रकाशमा आएको छ। कालचिनी खण्डको निम्ति दोहमनी चौपतीमा बाटो पार हुने क्रममा एउटा ट्रकले धक्का दिँदा उक्त व्यक्ति गम्भीर घाइते भए। कालचिनी थाना अन्तर्गत निम्ति आउटपोस्टका पुलिस बलले घटनास्थलबाट उक्त घाइते व्यक्तिलाई उद्धार गरी अलिपुरद्वार जिल्ला अस्पतालमा भर्ना गरेपछि उपचार अवधि तिनको मृत्यु भएको पुलिस सूत्रले जनाएको छ। उक्त अज्ञात मृत व्यक्तिको परिचय जुटाउने प्रयास गरिरहेको साथै ट्रकलाई आफ्नो कब्जामा लिएको पुलिस सूत्रले जनाएको छ। गोर्खा च्यारिटेबल हस्पिटल सांगठनिक समितिले हाल पहाड़को प्रत्येक गाउँ बस्तीमा गएर हस्पिटलको औचित्य बुझाउने काम युद्ध स्तरमा गर्दै आइरहेको छ। यसै क्रममा दार्जिलिङ जिल्लाको पोख्रेबुङ अन्तर्गत पर्ने पोख्रेबुङ बस्ती 4 नम्बर प्राथमिक पाठशाला प्राङ्गणमा राजेश खवासको सक्रियतामा तथा दावा तामाङको अध्यक्षतामा एउटा अन्तर क्रियात्मक सभा सम्पन्न भयो। पोख्रेबुङ बस्तीबाट क्रमैले संजय प्रधान, प्रेम कुमार खवास, सुरेश तामाङ, छिरिङ लेप्चा, शिवु खवास, रामदास सुब्बा, राजेश खवास, नयन राय अनि निरूपा गुरु संयोजक चयन गरियो। समाचारको क्रममा अहिलेलाई पालो भएको छ छोटो विश्रामको। Sunshine High School, an English medium co-educational school affiliated to ICSE board. Admission for session 2019, pre-nursery to class 9, quality educational. Separate hostels for boys and girls. Confidence building. Leadership programs, games, indoor and outdoor. Co-curricular activities. Pollution free. For admission and prospectus contact Sunshine High School, mobile 7797965318, 9734015500003. Papa. E che vuoi, Nino? Che vuoi, Nino? अस्ति मात्रै किनेको जुत्ता फेरि फटाइस्? कति किनिदिनुहोस् न त्यो जुत्ता पनि, फटाइ त हाल्छ। मैले तिमीलाई अस्ति भनेको नि डक्टर फुटको स्कुल जुत्ता किनिदेऊ भनेर, तर तिमी मानेनौ। हजुर, डक्टर फुट सुविधायुक्त, टिकाउ अनि नचिप्लिने पनि। विश्रामपछि अब रहल बाँकी समाचार। वन विभाग एवं उत्तर बङ्गाल स्पेसल टास्क फोर्सको तर्फबाट बुधबार पनि शिव मन्दिर इलाकामा अभियान चलाउँदा उक्त क्षेत्रमा उत्तेजनाको माहौल सृष्टि हुनको साथै व्यापारीहरूले सडक अवरोध गरेर टायर जलाएर विरोध प्रदर्शन गरे। उक्त क्षेत्रमा अवैध काठद्वारा फर्निचरहरू निर्माण गरिरहेको साथै यस कार्यमा यहाँका धेरै दोकानदारहरू संलिप्त रहेको गोप्य सूचना पाएपछि वन विभागले उक्त अभियान चलाएको बताएको छ। उक्त अभियान अवधि उत्तर बङ्गाल स्पेसल टास्क फोर्सले शिव मन्दिर इलाकाबाट लगभग 20 लाख रुपियाँ मूल्य को अवैध काठ जफत गरेको बताएको छ। यस अभियान अवधि व्यापारीहरूले विरोध गर्दै सडक अवरोध गरेर टायर जलाएर विक्षोभ प्रदर्शन गरे। घटनाको खबर पाएर मटिगरा थानाको विशाल पुलिस वाहिनी घटनास्थलमा पुगेर परिस्थिति नियन्त्रणमा ल्याउनको साथै उक्त पथ अवरोध पनि हटाइयो। मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीको अनुप्रेरणामा सेफ ड्राइभ सेफ लाइफ अन्तर्गत पानीटेङ्की ट्राफिक पुलिसको तर्फबाट यहाँको एयरभ्यू मोडमा हेलमेट विहीन दुई चक्के वाहन चालकलाई निशुल्क हेलमेट वितरण गरियो। यस अवसरमा ट्राफिक एसिपी उदय तामाङ, ट्राफिक विभागका अन्य अधिकारीहरू लगायत विद्यार्थीहरू पनि उपस्थित थिए। स्पेशली आज हम लोग हेलमेट्स ये सब हम लोग अभी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, स्पेशली फॉर लेडीज। पीछे में जो बैठी है, जो बीबी हो या बहन हो, जो भी हो, उन लोग को फोकस करके आज हम लोग ने उन लोग के लिए थोड़ा हेलमेट्स डिस्ट्रीब्यूट हम लोग कर रहे हैं। तो आज अभी हम लोग देख रहे हैं आप लोग का मीडिया, आप लोग मीडिया भी इधर है, हम लोग अभी देख रहा हूँ यहाँ पर इतना है, बट पीपल आर दे आर वेरी मच अवेयर ऑफ इट। अभी हम लोग का वी जस्ट फील प्राउड दैट पीपल आर फॉलोइंग ट्रैफिक रूल्स,
पीछे में हेलमेट पहन रहे हैं, सीट पे लगा रहे हैं, दे आर नॉट यूजिंग मोबाइल फोन्स वाइल ड्राइविंग। ये बहुत बड़ा संदेश है। वी ऑल्सो फील प्राउड दैट हम लोग ने जो प्रयास करा है ये सही, यहाँ का जितना भी जो जो आपका राइडर ड्राइवर जो भी है दे आर फॉलोइंग ट्रैफिक रूल्स, ये बहुत बड़ा पन है। तो मैं मीडिया मार्फत से यही मैं संदेश देना चाहती हूँ, प्लीज़ आप लोग वेयर हेलमेट्स, प्लेन में जो बैठी है उसको भी आप हेलमेट पहनवाएं, बस यही संदेश मैं देना चाहता हूँ। कालचिनी खण्डको मेन्दावारी ग्राम पञ्चायतको तत्त्वावधानमा तृतीय वार्षिकी सिजन मेला आरम्भ भयो। कालचिनी रोगी कल्याण समितिको चेयरम्यान असीम मजुमदारको बाहुलीबाट दीप प्रज्वलन गरेर उक्त मेलाको उद्घाटन गरियो। यस अवसरमा कालचिनी पञ्चायत समितिको सहकारी सभापति प्रभात मुखर्जी, ग्राम पञ्चायत प्रधान मोना रावा र उप प्रधान चन्द्र नार्जीनारी आदिको उपस्थिति रहेको थियो। उक्त मेलामा मूलत विद्यार्थीहरूले आफैले सृजना गरेको वस्तुहरूको प्रदर्शनी गरिएको थियो। मेलाको स्टलमा विद्यार्थीहरूले आफ्नो सृजनात्मक कलाहरू देखाउन सक्ने र तिनीहरूलाई यसको निम्ति उत्साह प्रदान गर्नलाई उक्त सृजन मेला गत 3 वर्षदेखि पालन गर्दै आएको मेन्दावारी ग्राम पञ्चायतको उप प्रधान चन्द्र नार्जीनारीले जनाएकी छन्। मेन्दावारी ग्राम पञ्चायत उद्योगे हामीले 33 प्राइमरी एसएसके एमएसके जुनियर हाई स्कुल निए हाम्रा सृजन मेला करि। এই মেলা হলো যে স্কুলের শিশুরা শুধু পড়াশোনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, তারা তাদের নিজের হাতের কাজ, যে যেমন যেটা পারে, সাংস্কৃতিক কালচার, সেগুলো তারা প্রতিভা প্রকাশ। ग्राम सेवक समिति अप्पर रियाङ बस्ती सुकेपोखरी खण्डको तत्त्वावधानमा समिति भवनमा कृषि मित्र योजना विषय केन्द्रित सभा सम्पन्न भयो। जोरबङ्गलो सुकेपोखरी खण्ड विकास कार्यालय कृषि विभागका बिटिएम धीरज राय तथा एटिएम पासाङ शेर्पाको विशेष उपस्थितिमा रियाङ बस्तीका सम्पूर्ण कृषकहरूलाई लिएर सम्पन्न भएको उक्त सभामा पश्चिम बङ्गाल सरकारद्वारा सुरु गरेको कृषि मित्र तथा कृषि बिमा योजनाबारे जानकारी गराइयो। कृषि मित्र योजना अन्तर्गत हिउँदे तथा बर्खे बालीको निम्ति 2 किस्ती गरेर कृषकहरूको बचत खातामा 5,000 रुपियाँ जमा हुने प्रावधान रहेको जानकारी गरायो भने 60 वर्ष उमेर मुनिका कृषकहरूको निम्ति कृषि बिमा अन्तर्गत 2,00,000 रुपियाँ प्राप्त गर्न सक्ने प्रावधान रहेको पनि जानकारी गरायो। उल्लेखित योजना बारे फारम भर्ने काम पनि सम्पन्न भयो। यसैबीच उन्नत प्रजातिको मकैको बीज तथा रसायन मुक्त औषधिहरू वितरण गरिएको ग्राम सेवक समितिका प्रमुख दिपेन्द्र राईले बताएका छन्। कालचिनी खण्डको निम्ति दोहमनी स्थित हरिदास स्मृति प्राथमिक विद्यालयको प्राङ्गणमा 300 भव्य संगीत प्रतियोगिता सम्पन्न भयो। यस अवसरमा कालचिनी रोगी कल्याण समितिको चेयरम्यान असीम मजुमदार लगायत कालचिनी पञ्चायत समितिको सहकारी सभापति प्रभात मुखर्जी, लोथाबारी ग्राम पञ्चायतको उप प्रधान गौरी ठाकुर आदिको उपस्थिति रहेको थियो। अमर जितुकु जाना आछे जे राजवंशी भाषाभाषी मानुषरा आमादेर ब्लके बास करे দক্ষিণ লতাবাড়ির কিছু অংশে, দক্ষিণ মেন্দাবাড়িতে এবং জয়গা 1 নম্বর অঞ্চলের বর্মন পাড়াতে আর কিছু কিছু এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। তা সত্ত্বেও আজকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের ব্লকে আজকে এই যে ভাইয়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান করতে বলেছে, সে অনুষ্ঠানে আপনাদের সংস্কৃতি, আপনাদের গান, আপনাদের যে সাংস্কৃতিক প্রোগ্রামগুলো আজকে এই মঞ্চে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে আপনারা তুলে ধরবেন। আপনারা জানেন আমাদের যে পার্শ্ববর্তী জেলা আছে কুচবিহার জেলা, সেখানে বহু রাজবংশী ভাষাভাষীর মানুষের বাস। আমাদের সরকার আসার পরে 2007 সালে 2011 সালে এই সরকার আসার পরে আমাদের সরকার আজকে রাজবংশী ভাষাভাষীর ঠাকুর পঞ্চানন বর্মা নামে আজকে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেছে। আজকে রাজবংশী ভাষাভাষী প্রবাদ প্রতিম পুরুষ চিলা রায়ের মূর্তি স্থাপন থেকে শুরু করে তার আজকে জন্ম শতবার্ষিকী পালন করে। এভাবে আমাদের সরকার চেষ্টা করে যাচ্ছে যে আপনাদের রাজবংশী ভাষাভাষীরাও তাদের যে সমস্যা, তাদের সংস্কৃতি, তাদের শিক্ষা, তাদের বিভিন্ন জায়গায় তাদের যে নিজস্ব বিচার সেটা রাখার জন্য সরকার তার প্রাণপাত চেষ্টা করছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী
श्री श्री दुर्गा काली मन्दिर निर्माण गर्ने उद्देश्यले पुराण आयोजक समिति बिजनबारीको आयोजनामा सप्ताहव्यापी महापुराण विविध कार्यक्रमको साथमा समापन गरियो। बिजनबारी रेलिङ रोड 40 चलेको उक्त सप्ताहव्यापी महापुराणमा नेपाल दमकबाट ख्यातिप्राप्त कथावाचक उदय चन्द्र शास्त्री रहेका थिए भने कथा सहयोगीको रूपमा स्थानीय गजेन्द्र भण्डारी, विनोद भट्टराई, रत्न अधिकारी आदि उपस्थित थिए। सिलगढीबाट आएका भजन गायक युवराज वशिष्ठ र तिनको सहयोगीहरूले 7 दिनसम्म भगवानको महिमाको रसपादन गराएका थिए। सम्पूर्ण उत्तर बङ्गाल अनि सिक्किमको ताजा न्युज अपडेट हेर्नका लागि उत्तर बङ्गाल अनि सिक्किमको लिडिङ एन्ड नम्बर 1 न्युज च्यानल एसके लाइभको युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नको साथै बेल आइकन बटन दबाउन नभुल्नुहोस्। हवस् त दर्शकबिन, अहिलेलाई पनि यति नै, अन्य समाचार लिएर फेरि म हाजिर हुने नै छु। तबसम्मका लागि मलाई बिदा दिनुहोस् अनि हेर्दै गर्नुहोस् एसके लाइभ। तपाईँको समय, तपाईँको समाचार।